बड़े बड़े लोगों तो होटल में रहते हैं ना, उनको क्या पता कि फुटपाथ का ठंड क्या होता है। एक बार फुटपाथ पर आके तो देखें कि ठंड क्या है। एक ही कम्बल एक गरीब के लिए भी दे देते हैं तो आपके दिल में वो संतुष्टि बुझेगा कि लगेगा कि हमने किसी को इसे, किया नहीं, इसे आपको क्या मिल जाता है, आप क्या होता है? कुछ नहीं। नमस्कार, मेरा नाम आलोक है, आप लाइव स्ट्रीम देख रहे हैं। कड़ाके की ठंड पड़ रही है उत्तर भारत सहित पूरे बिहार में और तापमान अब गिरता ही जा रहा है। कुहासे का असर अब दिखने लगा है, घना कोहरा छाया हुआ है हर तरफ। तस्वीर आपको दिखा रहे हैं, राजधानी पटना में भी देर रात को घना कोहरा छा गया है और रात के लगभग 9 बजने वाले हैं। इस वक्त हम मौजूद हैं पटना के फ्रेजर रोड में, जहां पर गरीबों के बीच कंबल बांट रहे हैं राजू दानवीर। नाम है राजू दानवीर, जन अधिकार युवा परिषद के प्रदेश अध्यक्ष हैं और राजू दानवीर अब गरीबों में कंबल बांट रहे हैं देर रात को। देखिए 9 बज रहे हैं, सड़कों पर उतनी गाड़ियां भी नहीं चल रही हैं, लेकिन हम तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। राजू दानवीर ये जो मानवता का काम कर रहे हैं, नए साल का एक तरफ जहां लोग जश्न मनाएंगे, वहीं गरीबों के बीच जाकर उनके दुख में इस वक्त कड़ाके की ठंड जब पड़ रही है, सर्दी का सितम जारी है, उस वक्त कंबल बांट रहे हैं। सही में ये सराहनीय काम है, इस मानवता के कार्य की जितनी प्रशंसा की जा सके वो कम है। तस्वीरें आपको तमाम दिखा रहे हैं जो कहीं ना कहीं आपको भी इस ओर बढ़ाएगी कि आप भी घर से निकलिए, अगर आपके भी घर में पुराने कपड़े हैं तो ज़रूर उन्हें ज़रूरतमंदों तक पहुँचाएँ। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। विकलांग है, यह है विकलांग, देखिए रात में जो रिक्शा चालक हैं उन्हें भी कंबल मिल रहा है, अच्छा लग रहा है? अच्छा लगा मिल के, अच्छा लगा। ऐसा काम होना चाहिए ना? हाँ ऐसा काम होना चाहिए सर। आप तो थोड़ा मतलब विकलांग है, गरीब का भला अति कर रहे हैं, गरीब का भलाई कर रहे हैं, बहुत अच्छा बात है। सर मतलब होना चाहिए नहीं? हाँ होना चाहिए सर। कहाँ जा रहे थे आप लोग? गांधी मैदान। तो गांधी मैदान वो रोड पर सूतने के लिए, रोड पर सोने के लिए। हाँ कहाँ सूतेंगे, नहीं है जगह, कहीं नहीं। तो कैसे रहते, इतना तो कुछ है, कंबल मिल गया नहीं? हाँ तो थोड़ा सहारा हुआ। बहुत सहारा। क्या आप कहाँ रहते हैं जी? गांधी मैदान में रहते हैं, वहीं सोते हैं, वहीं सोते हैं। कहाँ सोते हैं? रिक्शा चला के वहीं पर सोते हैं, गांधी मैदान में। कंबल से सहारा मिल गया, बहुत जरूर बहुत सारा मिला। कंबल से सहारा मिल गया है, गरीबों के दुख दर्द को आप सुन रहे होंगे, इनके दुख दर्द को सुनिए और समझिए। सच में एक आदमी के बस की बात नहीं है, जितना हो पाएगा उतना तो कर रहे हैं राजू दानवीर। तस्वीरें आपको तमाम दिखा रहे हैं। राजू दानवीर हमारे साथ हैं, गरीबों को कंबल उड़ा रहे हैं, नए साल का आगाज़ होने वाला है, आप सड़कों पर कंबल उड़ा रहे हैं। आप देख रहे हैं कि रात के करीब 9-10 के आसपास बजा हुआ है और कितना ठुठुरते हुए ठंड है और आज भाई तापमान और गिर रहा है बहुत ज़्यादा, मैंने कुहासा और एकाएक आज ठंडापन इतनी ज़्यादा बढ़ गई। और इधर फुटपाथ पर आप देख रहे होंगे लगभग हजारों लोग वहाँ से लाइन में बैठे हुए हैं और पहले से तो जहाँ बांट रहे थे बांट ही रहे थे और रेगुलर कंबल वितरण अभियान भी चल रहा था। मतलब बांटते हैं, आपको अच्छा लगता है? सर बड़े बड़े लोगों तो होटल में रहते हैं ना, उनको क्या पता कि फुटपाथ का ठंड क्या होता है। एक बार फुटपाथ पर आके तो देखें कि ठंड क्या है। अभी तो ऐसा आज का ठंड ऐसा है कि बिना मोफलर का आदमी नहीं चल सकता है, लेकिन ऐसे ठंड में भी आप यदि गरीबों के लिए एक ही कम्बल एक गरीब के लिए भी दे देते हैं तो आपके दिल में वो संतुष्टि बुझेगा कि लगेगा कि हमने किसी को किया नहीं। इससे आपको क्या मिल जाता है, आप क्या होता है? कुछ नहीं, बस एक दिल में संतुष्टि हुआ कि हम किसी को कुछ दिए हैं। नाम और आपका राजू दानवीर तो दान करते सर हैं। बात वो नहीं है, बात यह है कि दिल को एक संतुष्टि मिलता है किसी को हम कुछ देते हैं तो, और ज़रूरत के अनुसार अभी ज़रूरत है कम्बल की भारी मात्रा में और अलग अलग जगहों पर भी ज़रूरत है। और इसे क्या है कि जितने रैन बसेरा में रह रहे हैं, फुटपाथ पर रह रहे हैं, झुग्गी झोपड़िया में रह रही है, उन सबों की कंबल की जरूरत है। आप एक ही कंबल दे दे रहे हैं, कम से कम उससे 10-15 दिन का जो ठिठुरता हुआ जो ठंड है उससे वो निकल जाएगा। मतलब आप सड़कों से गुजरते हैं, लोगों को देखते हैं तो अच्छा नहीं लगता? नहीं, एकदम लगने वाली बात ही नहीं है। अच्छा ये तो हर कोई इस बात को कहेगा कि कोई भी देखेगा तो अच्छा नहीं लगेगा। देखिए बहुत सारे जो है जिनके शरीर पर सिर्फ गंजी और टी शर्ट है तो गंजी और टी शर्ट पर ये ठिठुरते ठंड में पार हो जाएगा आदमी है। तो आप कह रहे हैं कि आप पूरा सबको नहीं बांट सकते हैं तो और भी लोग निकले? मैंने हमसे जितना बनेगा क्षमता उतना हम करेंगे, लेकिन सबका तो ठंड नहीं ना मिटा सकते हैं इसमें। हाँ हम चाहते हैं आपके चैनल के माध्यम से कि हर समाज सेवी हर व्यक्ति जिससे एक ही कम्बल बने, एक ही कम्बल दीजिए, लेकिन दीजिए दीजिए
दीजिए, आपके अगल बगल का कोई व्यक्ति हो उसे दीजिए ताकि इस ठंड से बचाया जा सके। घर से तिजोरी से रुपया निकाल कर कहाँ लगा रहे हैं? सर कोई तिजोरी का नहीं है, मानवता जहाँ आप देते हैं ना, भगवान कहीं ना कहीं उसी रास्ते से आपको फिर दे देता है। देखिए तो दिल में क्या है, राजू दानवीर हमारे साथ थे, क्या कुछ वो कह रहे हैं। नाम है दानवीर और बन रहे हैं देर रात को सड़कों पर निकल कर गरीबों का मसीहा। अभी भी कंबल वितरण जारी है पटना में, जहाँ जहाँ घूमेंगे जितना हो पाएगा, जितना बन पाएगा उतना कंबल बांटेंगे। आम लोगों के गरीब के दुख दर्द को समझना, उसे महसूस करना, ये सच में मानवता का धर्म है। क्या आप भी मानवता के इस धर्म को आगे बढ़ाएंगे? आप में भी कुछ अंदर में जुनून है? अगर है तो सही में आप भी कुछ ना कुछ जो आपके घर में आपको लगे कि फटे पुराने कपड़े हैं, जो इस्तेमाल होने लायक हैं, वो ज़रूर ज़रूरतमंदों में दें ताकि उनकी इस ठंड में काफ़ी राहत पहुँचे, उन्हें काफ़ी राहत पहुँचे। आप तो घर में आराम से सो रहे होंगे, ज़रा इनके बारे में भी सोचिए। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ साथ फेसबुक पेज भी लाइक करें। धन्यवाद।